नाइन्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है, फॉर्म द डिफरेंशियल, नहीं, एट्थ क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, लिखा हुआ है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। वाई एक्सिस पर फोकाई होनी चाहिए, एलिप्स की बात कर रहे हैं, और सेंटर ओरिजिन पर होना चाहिए। अब फोकाई ना उस जिसके जहां पर फोकाई जिसके अलॉन्ग होगी, जिस एक्सिस के, आपका एलिप्स भी उसी के अलॉन्ग बन जाता है। यानी एलिप्स मैंने पहले भी कहा है दो तरह के होते हैं, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग। एक्स एक्सिस वाला ऐसा होता, वाई एक्सिस वाला ऐसा होगा। अब क्योंकि बोला गया क्वेश्चन में साफ साफ, आप पढ़ लें कि फोकाई कहां पर है इसका, एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस पर, तो डेफिनेटली आपका एलिप्स ऐसा होना चाहिए। और वर्टेक्स साफ साफ बोला गया ओरिजिन पर, यानी कि एग्जैक्टली सही बना हुआ है, जितना डिस्टेंस ऊपर है उतना ही नीचे है, ठीक है ना, ये मतलब हुआ। तो ये आपका ओरिजिन पर है, देख ले। एट्थ क्वेश्चन था फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस एंड सेंटर ऑफ ओरिजिन। वाई एक्सिस में फोकाई होने का मतलब समझ गए कि आपको वाई एक्सिस के अलॉन्ग बनाना है, तभी वाई एक्सिस के अलॉन्ग फोकाई होती है, ठीक है। इसमें फैमिली में सब आ जाएंगे ना, ऐसे ऐसे जितने भी एलिप्स यहां पर मौजूद है, ये सबके सब इसी को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सबके सब आपके कहां पर है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग सबके फोकल पॉइंट है, और सभी आपके क्या है, अपना वर्टेक्स ओरिजिन पर रखें, तो सारे ऐसे टाइप के जितने भी हैं सब आ जाएंगे इसमें। तो स्टूडेंट्स अगर हमें निकालना है तो हमें वही काम करना पड़ेगा कि जनरल सॉल्यूशन पता हो, डिफरेंशियल इक्वेशन निकल जाएगी। जनरल सॉल्यूशन का मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इक्वेशन। क्या मतलब हुआ इसका, इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, उसकी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिस फैमिली ऑफ कर्व की आप बात कर रहे हैं। जैसे हम एलिप्स की बात कर रहे हैं तो वी मस्ट नो द इक्वेशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन। हमें पता है क्या, आप जानते हैं जनरल इक्वेशन या फिर एक नॉर्मल इक्वेशन क्या होती है एलिप्स की अबाउट वाई एक्सिस। हम जानते हैं एलिप्स की इक्वेशन बहुत इजी इक्वेशन में से एक होती है, और निकाली कैसे जाती है स्टूडेंट्स, ऐसे देखिए विद फॉर सेकंड। कैसे निकालते हैं हम इक्वेशन को, हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। तो ये एलिप्स की एक इक्वेशन है, और हम देखेंगे कि इसमें कंडीशन लिख दे, क्योंकि ये एलिप्स एक्स के अलॉन्ग है, वाई के अलॉन्ग है, कौन बताएगा। मैंने बताया था जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा एलिप्स उसके अलॉन्ग होता है। आप कहना चाहते हैं कि आपका एलिप्स अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो हमें कहना पड़ेगा कि वाई का ये डिनोमिनेटर यानी बी शुड बी ग्रेटर देन ए, ठीक है ना। स्क्वायर में कहने की जरूरत नहीं है, उसके सिर्फ बी को ही कहते हैं। तो ये निकल के आ रही है कंडीशन कि b बड़ा होगा तभी तो आप y के अलॉन्ग बना पाए, ये कंडीशन है, ठीक है। इसमें कोई मतलब समझ में आ जाएगा ना, क्या नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है, क्लियर है। अभी अगर ना जनरल सॉल्यूशन निकल गया, यानी इक्वेशन निकल गई स्टूडेंट्स, हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड हाउ कैन वी फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन, यस बाय एलिमिनेटिंग दीज आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट फ्रॉम दिस जनरल सॉल्यूशन। इससे अगर हम इस आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट ab को हटा पाए, बात बन गई, सीधी बात आ गई। कितने बार डेरिवेटिव लोगे, यस टू टाइम्स। क्यों, क्योंकि दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स मौजूद है, यानी कि इस बार हम कैपेबल हैं दो बार डेरिवेटिव लेने के। तो अभी हमारे पास जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुकी है, अब अच्छे से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम एक बार डेरिवेटिव लेंगे तो मैं लिखूंगा टेक डेरिवेटिव बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मैं सीधे लिख देता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ जाओगे आप, ठीक है ना। डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, डेरिवेटिव लूंगा, आराम से समझना। वन अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यस टू एक्स, 1 अपॉन बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्लियर है, कॉन्स्टेंट टर्म है। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y और y का y डैश, द्वारा ना चेन रूल। 1 का डेरिवेटिव यस एग्जैक्टली 0, क्लियर है। अभी समझ में आया कि इतना बना, 2 ना आराम से समझना, 2 दोनों जगह से कॉमन आके 0 के अपॉन में गए नहीं गए, गए क्या बचा, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस yy डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमने क्योंकि एक बार डेरिवेटिव ले लिया तो क्या कुछ काम हो पाया, काम मतलब क्या हुआ कि क्या कुछ एक एलिमिनेट हो पाया, दिख तो नहीं रहा, दोनों तो यहीं पर दिख रहे। तो फिर हमने सोचा चलिए एलिमिनेट नहीं हुआ, चलिए चलता है इतना, लेकिन कम से कम इसको और इसको कुछ काम तो करवा दे इनमें आपस में। हमने देखा ना बीच में भी क्वेश्चन नंबर 1-5 करते समय भी ऐसा हुआ था कि एलिमिनेशन नहीं हुआ था। तो हम क्या बोलते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जहां एलिमिनेशन नहीं पॉसिबल हो पा रहा, कम से कम आप उन इक्वेशंस को ही मर्ज कर दो आपस में, जो दो इक्वेशंस पॉसिबल इक्वेशंस आपके पास आई, कम से कम उन्हीं को मर्ज कर दो आपस में, उन्हीं से कुछ काम करवा दो, तो वो भी पॉसिबल, वो भी आपका एक अच्छी बात में गिने जाएगा। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें इन दोनों को मर्ज करने की कोशिश करनी, कैसे एक दूसरे में समा पाए हैं दोनों के दोनों। तो हम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, एक को ना हटवा लो, कहने का सीधा सा मतलब, जैसे सोचिए एक्स वाई की इक्वेशन है, जैसे आप करते थे ना बचपन में 10th क्लास में, तो क्या करते थे, वाई को सब्स्टिट्यूट कर देते, टोटली एक्स में कन्वर्ट कर देते थे या टोटली वाई में कन्वर्ट, बस वही काम करना, टोटली या तो ए में कन्वर्ट कर दो या बी में।
कुछ नहीं कर रहा, मैं एक काम कर रहा हूँ, देखिए मेरी बात आराम से समझना। मैंने बोला क्यों ना ऐसा करें कि यहाँ से 1/a² या फिर सीधे अभी x/a² है इज इक्वल टू, उसको उधर शिफ्ट कर दें, वो माइनस का y/b² हो गया, उसको उधर शिफ्ट करा। मुझे ना असल में ना क्या चाहिए, मुझे असल में मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई एक वेरिएबल की फॉर्म में मिल जाए, जैसे मैं चाहता हूँ कि a को मैं हटवा लूँ, मैंने यहाँ 1 कर लेता हूँ a², तो वो x कहाँ गया होगा, यस नेगेटिव था इसके आगे, ध्यान रखना नेगेटिव इसके आगे, ठीक है ना, वो x कहाँ गया जो मैंने वहां से उठाया था, यहाँ चले गया, यानी ना 1/a² को ये बोल सकते हैं। ऐसा बोलने से क्या होगा कि इसको आप उसमें क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एक स्क्वायर के प्लेस पर अगर आप वो लिख दोगे टोटल का टोटल ये वाला सिर्फ बी पर कन्वर्ट हो जाएगा। मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ, डायग्राम क्लियर कर लें, इसे आप समझ लेना, ठीक है ना, लिख लेना, मैं बना लेना जरूर। क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, सीधी साधी बात है कि इसको उठाकर यहाँ डाल दो, मेरी स्टोरी अब ये ना वो ही करा रहा हूँ मैं आपको, सब्सटीट्यूशन मेथड। अब देख लीजिए क्या आप क्लास 10 का सब्सटीट्यूशन मेथड नहीं जानते, वही तो कर रहे हैं हम, एक्स वाई होते थे आज ए बी पर बातें करनी पड़ रही है, तो ए को हटवाकर वहां डालूंगा, टोटली फंक्शन बी का बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। तो ये ना देखिए x²/a² ही तो है देखा जाए तो देखिए मेरी x²/a² है ना, क्या स्टूडेंट x²/a² को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, x²/1/a² एक ही बात है, तो बस 1/a² की वैल्यू सब डाल दूंगा वहां, x² लिखकर जो भी वैल्यू आई 1/a² की, क्या क्या आई, माइनस के साइन के साथ y/b² × x, कुछ नहीं किया मैंने, x²/1/a² था, 1/a² में सारी वैल्यू वहां प्लेस करी, आराम से दिख रहा है, प्लस एज इट इज y²/b² × 1 इज इट इट, क्लियर है कि नहीं है, बोले प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करना, अब तो बी में काम हो गया, अब तो आराम से काम हो सकता है, आराम से कुछ नहीं करना, b² को उठाओ यहां से, दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, सीधे वहां भेज दो, क्लियर है कि नहीं है, ठीक है क्लियर है, b² दोनों जगह से कॉमन आ रहा था ना, तो ऊपर क्या बच गया, x²y y' विद नेगेटिव साइन, ठीक है ना। अभी नीचे पर क्या क्या बचा है स्टूडेंट्स, नीचे पर बच गया देखिए b² x का x, और यहां बचा ओनली y²/1, तो 1 नहीं लिख रहा, b² को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, क्योंकि 1/b² यहां से भी बाहर आएगा, 1/b² यहां से भी बाहर आएगा, उस b² को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वो यहां पहुंच गया, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हो गया, क्लियर है कि नहीं। अब स्टूडेंट आराम से काम करना है, मुझे बताइए b² भी निकल गया, अब b² भी निकल गया, मतलब क्या समझ में आया कि आपने ना, एक बात समझिए मेरी, आपने अभी तक किया क्या, कितने बार डेरिवेटिव लिया, सिर्फ एक बार, सबूत ये आपके सामने, कहीं पर भी डबल डेरिवेटिव नहीं दिख रहा, ठीक है। हमने अभी तक काम क्या किया समझ में आ रहा है, हमने पहले इक्वेशन जो थी लिखी, देखा कि उसमें दो क्या है, वेरिएबल्स है या फिर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसलिए समझ में आया कि दो बार डेरिवेटिव लेना चाहिए। जैसे ही एक बार डेरिवेटिव लिया तो डायरेक्ट एलिमिनेशन हमें शो नहीं हो पाया, हमें दिखा कि दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट एज इट इज पड़े हुए हैं। हमने क्या किया, हमने बोला जब भी ऐसी कंडीशन आती है कि एलिमिनेट नहीं हो पाते तो दोनों को मर्ज करते हैं आपस में, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट की फॉर्म में उन्हें कन्वर्ट करवा देते हैं, जैसे मैंने प्रोसेस कर करा, और अब आप देख रहे हैं आपके सामने सिर्फ एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट मौजूद है जो कि बी है। अब आराम से डबल डेरिवेटिव लेंगे, बी साफ होगा नहीं होगा, बोले बी कांस्टेंट है गायब, ठीक है, और डेरिवेटिव ले सकते हैं दो बार, क्यों, क्योंकि ए बी थे। पूरी स्टोरी क्लियर नहीं है क्या, इतना इजी क्वेश्चन बताइए अब, ठीक है, क्लास 12th में, और आप जैसे स्टूडेंट जो एक्सरसाइज 7 मतलब 7th लेसन जैसे चैप्टर को कर आ गए यहां पर, मतलब जितना भी कहा जा सकता था, जो मैक्सिमम हो सकता था वो कर आ चुके हैं, अब ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, ये स्ट्रेस रिलीज करने के लिए दिए गए लेसन है आपको, ठीक है ना, आराम से इसे मजे में करना, मैंने पहले ही कह दिया, आराम से बी क्या करना है, टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, आराम से डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है क्लियर है, आराम से डिफरेंशिएट करूंगा, इसको देखें जरा डिफरेंट, ये एक्स ने इसको नहीं कट किया, क्या क्या बचा, माइनस का एक्स वाई वाई डैश, ठीक है ना, इतना बचा, और यहां पर बचा प्लस के साइन के साथ y² = b², हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमें इसका लेना है डेरिवेटिव, ठीक है ना, उससे पहले मैं एक 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 बात कर लूँ, x²/1/a था ना, तो x²/y, सब कुछ क्लियर है, सब क्लियर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये तीन तीन फंक्शन एक साथ दिखाई दे रहे हैं, कोई बात नहीं, करते हैं इनका कुछ, ठीक है, समझना बात को, देखिए मैं एक मिनट में इसे थोड़ा सा चेक भी कर लूँ, हमने जो किया हुआ क्या वो सही है, x²/a² + y²/b² = 1, 2x/a² 2y/y′/b² = 0, x²/y y′/b² = 0, 1/a² = −y y′/b² × 1/x, x²/1/a² था, उसके प्लेस पे हमने बोला माइनस का y y′/b² × x, करेक्ट है,
ठीक है ना, हाँ, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। फिर x से हमने इस x को कट भी कर लिया, यहां बचा हुआ है एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट इसे डिफ्रेंशिएट करना है, इसे डिफ्रेंशिएट करना। अब जरा थोड़ा समझते हैं बात को कैसे हो सकेगा। मैं इसे रब कर दूँ, देखिए मैं इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस पोर्शन को मैंने रब कर दिया क्योंकि हमें समझ में आ गया सिर्फ एक छोटा कैलकुलेशन हमें देना है। अब समझ में आया कि एक काम तो है कि इनको डिफ्रेंशिएट करना। ये तीन फंक्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दो फंक्शन नहीं है यहाँ पर, कितने फंक्शन है, तीन। और तीन फंक्शन को जब भी आप डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, तो फिर ये एक थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि तीन को डिफ्रेंशिएट आप कैसे कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं कर सकते कि हाँ चलिए एक काम हो सकता है, एक काम कर सकते हैं, देखिए आराम से करते हैं, ठीक है, तीन को, मेरी बात समझ रहे हैं, देखना माइनस एक्स वाई वाई डैश, इस पर फोकस करो, सिर्फ मैं इसे डिफरेंशिएट बाय चांस करना चाह रहा हूँ, मैं इसे डिफरेंशिएट करना चाह रहा हूँ। मैं ना पहले इन दो को एक यूनिट मान लेता हूँ और इसको एक सेकंड यूनिट मान लेता हूँ, नेगेटिव साइन तो बाहर, नेगेटिव हटा देता हूँ, नेगेटिव मैं समझ जाऊंगा, लगा दूंगा, अभी फिलहाल इस पर फोकस करो। तीन में से दो को एक यूनिट मान लिया अभी, अब मैं इसमें दो वाला काम कर रहा हूँ, चाहूँ तो मैं एक्सरसाइज 5.5 इस्तेमाल कर सकता हूँ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लेकिन नहीं, हम सोच रहे हैं कि इससे इजीली हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन लिखा एक्स वाई, इतना ही था, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, वाई डैश का डेरिवेटिव लोगे तो मुझे बताइए कितना आएगा, डबल डैश आएगा, नहीं आएगा, प्लस कर सेकंड फंक्शन को लिख देते हैं, ठीक, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, क्योंकि फर्स्ट में दोनों इंक्लूडेड है, क्लियर है। अभी इतना सा काम है कि इसे फाइंड कर लो, बात बन गई, एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस वाई डैश डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, आराम से क्या बोलोगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक्स का डेरिवेटिव एक्स से वन नहीं होगा क्या, बोलिए, ये रिजल्ट आपके सामने रखा हुआ है, ये आपका उसका रिजल्ट है। अरेंजमेंट देना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, आप दे सकते हैं, जैसे कि मैं डायरेक्ट लिखते लिखते देता हूँ, ठीक है ना, नेगेटिव लगाया पहले, लिख रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव निकाला ना मैंने अभी, डेरिवेटिव निकालकर हुआ है, ठीक है, सारा काम ये निकल गया है। तो नेगेटिव के अंदर मैं सब कुछ लिख रहा हूं, देखिए क्या लिख रहा हूं, एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लो आराम से, एक्स वाई डैश और वाई डैश, तो वाई डैश के स्क्वायर प्लस कर एक्स वाई डैश का यस स्क्वायर, वाई डैश वाई से मल्टीप्लाई होगा, यस वाई वाई डैश आएगा, नहीं आएगा, क्लियर है, इतनी स्टोरी बोली, प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट्स बताइए। y स्क्वायर आया, y स्क्वायर को y स्क्वायर रहने दिया, ओके, अरे डिफरेंशिएशन चल रहा है ना, इसका तो कर दिया हमने, y स्क्वायर को क्यों भूले, इसका डिफरेंशिएशन 2y, y डैश होगा, इजंट इट, b स्क्वायर 0, कांस्टेंट था, कुछ नहीं है, ये आपका आंसर है, अरेंज कर लें जैसे ऐसा हो सकता है। देखिए ऐसा है ना, अगर मैं इसको उधर भेजूंगा तो ये भी माइनस होगा, वो माइनस इस माइनस को कट नहीं करेगा क्या, करेगा, तो मैं ऐसा बोल दूं कि इसको मैं 2y y डैश को अगर 0 के उधर ले गया तो माइनस 2y y डैश आएगा, कितना आएगा, माइनस का 2y y डैश, और वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, मतलब अब ये रिजल्ट आ गया। इसे छोटा सा एक अरेंजमेंट दे देते हैं, यानी जो लाइक पावर्स हैं उन्हें एक साथ कर लेते हैं, लाइक डेरिवेटिव्स एक साथ कर लेते हैं। इसको सबसे पहले ऐसे लिखते हैं, एक्स वाई वाई डबल डैश, फिर जो सिंगल वाले हैं डबल सिंगल डेरिवेटिव उन्हें एक साथ करते हैं, जैसे ये सभी है, यानी कि कुछ भी आप कर लें, जैसे कि ना वाई डैश, हाँ वाई डैश को कॉमन निकाल लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा कर लेते हैं। बाकी मैं अभी चेक कर देख लेता हूँ कि किस तरह से उन्होंने उसे अरेंज कर रखा है, बाकी मैं अपनी तरफ से अरेंजमेंट दे देता हूँ। वाई डैश देखा तो यहाँ वाई बचा, यहाँ से वाई डैश कॉमन लिया तो यहाँ माइनस का 2y बचा। अब बाकी इन्होंने किस तरह से अरेंज उसे कर रखा है ताकि आप सेटिस्फाई हो जाए, इसलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट ही आ चुका है, ठीक है ना, कुछ भी किया जा सकता है इस पर। एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स 8 चल रहा है, एक्स वाई डबल वाई डैश, यानी कि जो ये लिखा है ये दे रखा है इन्होंने, प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर, यानी ये जो दे रखा था, फिर इन्होंने लिख रखा है माइनस, ओके, अरे हाँ ये पॉसिबल था, ये हम भी कर सकते थे, थोड़ा ध्यान नहीं गया उस तरफ ना। देखिए इन्होंने क्या आंसर लिख रखा है, कुछ नहीं, ये वाई वाई डैश है, मैंने सोचा ही नहीं बिल्कुल कि ये भी वाई वाई डैश है, ध्यान एक तरफ हो गया था मेरा, ठीक है ना, तो ना बताऊँ क्या, देख लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं इसे आराम से रख कर रहा हूँ, पॉसिबल था ये भी आंसर था, लेकिन चलो लेस कैलकुलेशन था ना उसमें, ये एक्स वाई वाई डैश जो सिंपल दिख रहा है उसे सिंपल रहने दें, प्लस एक्स वाई डैश जो सिंपल दिख रहा है स्क्वायर के साथ रहने दें, मुझे बताइए ये और ये एक जैसे नहीं है क्या, ये भी वाई वाई डैश, ये भी वाई वाई डैश, तो 2y y डैश इधर आएगा, माइनस का 2y y डैश हो जाएगा, माइनस 2y y डैश प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू माइनस का वाई वाई डैश, इजंट इट, समझ में आया कि नहीं। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पक्का आएगा, सुन लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनता है तो यही आएगा। मैं क्या क्यों कह रहा हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है, ये
ट्रिपल डेरिवेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये भी सुन लो कि स्टूडेंट गलती क्या करते हैं। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, अगर मैं माइनस को थोड़ी देर के लिए ना मानूं, तो अगर कोई सोचता कि ये है ना, कुछ स्टूडेंट बताएंगे क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक्स को लिख लिया, अरे वाई वाई डैश को ऐसे लिख लिया, बताएंगे क्या सोचते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं आराम से, और ये एक्स बेचारा इंतजार करेगा इनका, ऐसा हो सकता नहीं। क्या करेंगे, वाई वाई डैश को अलग से डिफ्रेंशिएट कर देंगे और जो भी आंसर आएगा एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। सबसे गलत बात, और यही अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ट्रिपल डेरिवेटिव है तरीके से करें, दो को एक यूनिट मान ले जैसा कि मैंने माना, ऐसा कर या एक्सरसाइज 5.5 का इस्तेमाल करके लॉगरिथम तरीके से करें, वो भी इजी है, लेकिन मुझे लगता है कंपैरेटिवली ये वाला ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। तो समझ गए ट्रिपल डेरिवेटिव, मैंने स्टूडेंट्स क्या कहूं मैं इसके लिए, मैंने कह दिया कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करो और लिखो कि ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या लिखोगे, ट्रिपल डेरिवेटिव के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि ये यूज हो रहा है। और ट्रिपल डेरिवेटिव करते समय ध्यान देना ये होना चाहिए, ना कि ये नहीं कि एक को अलग कर दो को डेरिवेटिव लेने का, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट समझ में आ गया, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। एक बार ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 9 खुद से, एक बार ट्राई करना जरा आप, ठीक है ना, जब तक मैं रफ करता हूँ आप ट्राई कर लेना। चलिए जल्दी हो गया क्या रफ, तो ऐसा करो पॉज कर लो वीडियो को और फिर ट्राई करो, ठीक है ना। स्टूडेंट्स अभी है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हम देख रहे हैं अपनी एक्सरसाइज किसका 9.3 का। ध्यान से देखो मैंने कहा क्या लिखा हुआ है, यस, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोलास हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस इन सेंटर टू रीजन। अब यही बात हो गई, हाइपरबोला का कोई डिजाइनिंग मैं नहीं कर रहा यहाँ पर, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिलहाल अभी, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर बोला गया 9th क्वेश्चन में कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस इन सेंटर एट द ओरिजिन। फोकाई उसकी एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपका क्या होता है, ये एक हाइपरबोला की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही ना, बस प्लस के माइनस आ जाता है एलिप्स में, और इसमें यही डिफरेंस होता है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजन। सेंटर ओरिजन पर है और फोकाई उसकी कहां पर है, एक्स एक्सिस पे, तो वो ऐसा होगा, समझ में आ रही बात, तो ठीक है ना, ये ऐसा बन जाता है, फर्क पड़ जाता है। हाइपरबोला आपका इस तरह से हो सकता है, कभी ये भी हो सकता है वाई स्क्वायर अपॉन जो भी है, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ए और बी पर कंडीशंस वही होती है, यानी इस कंडीशन में बोला जाए तो ए इज ग्रेटर देन बी होगा, क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपका हाइपरबोला डिसाइडेड है। और हाइपरबोला में ज्यादा मैं नहीं जा रहा हूँ डिटेल में, हमने क्लास 9th में कॉनिक सेक्शन में देखा है, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। अक्सर स्टूडेंट सिर्फ हाइपरबोला एलिप्स देखकर ही सोचते हैं कि पूरा इसमें 11th होगा, जबकि कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपको ये इक्वेशन आनी चाहिए जो कि आती ही है सबको। और एलिप्स होता है तो प्लस होता, हाइपरबोला होता है माइनस होता है, और जिसके अलॉन्ग होता है यानी कि उसी का डिनोमिनेटर यानी ए उसका बड़ा होता है। इसकी स्टूडेंट्स अगर इक्वेशन बतानी, हम वही काम करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे हाइपरबोला, तो समझते हैं ना कुछ इस तरह के हो जाए ना हाइपरबोला, इस तरह के होते हैं, ठीक है। हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मैंने बना रखा, ठीक है। वैसे कोई जरूरत नहीं आपको उस कर्व को बनाने की, वैसे हाइपरबोला तो वैसे भी नहीं बनाया जाता, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टाइप में माने जाते हैं। देखिए इतना हो गया। अभी स्टूडेंट मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने, यानी कि प्लानिंग सीधी सादी हमारे सामने रखिए कि जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन पर जाना है, तो सीधे सीधे स्टूडेंट जनरल सॉल्यूशन में हमें जनरल सॉल्यूशन चाहिए जो कि सामने खड़ा है, जो हमें पता है, थोड़ा बहुत आना चाहिए, इतना सबको आता है, इससे ज्यादा बातें होती भी नहीं आपसे। अब मुझे बताइए अगर हमें स्टूडेंट्स काम करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसी को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और कितने बार हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाउ मेनी टाइम्स वी कैन डिफरेंशिएट दिस जनरल सॉल्यूशन, हम इसे दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ए और बी यहां पर यस दो कॉन्स्टेंट है, दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा इसको, तो वही सिमिलर वर्क करूंगा, 1/a² को ऐसे कर लूंगा, एक्स स्क्वायर का 2x लिख लूंगा, वाई स्क्वायर के लिए काम करूंगा 2y y' आ जाएगा, और बी स्क्वायर ऐसे बाहर था कॉमन, क्लियर है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, isn't it? अभी स्टूडेंट्स 2 को मैंने कट किया कॉमन आगे बाहर हो गया, क्या बचा, एक्स 1/a² टाइम्स x माइनस 1/b² टाइम्स y y'। मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर नहीं हो गया पिछली बार की तरह, ये इस बार निकल कर आया, ये पहले से हमारे पास नोन था, दो डिफरेंशिएट करके फायदा नहीं हो पाया, डायरेक्ट कोई एलिमिनेट नहीं हुआ, जब भी कोई एलिमिनेट नहीं होता दोनों इक्वेशंस को पकड़कर मर्ज कर देते हैं, तो सीधी सी बात निकल के आएगी, इन दोनों को ऐसे काम करो इन दोनों पर कि किसी एक आर्बिट्री कांस्टेंट को सब्स्टिट्यूट कर दो, मैंने पहले वैसे ही किया, आप दूसरे स्टाइल से कर लेता हूं, 1/a² निकाल लेता हूं, यानी कि जब ये उधर शिफ्ट होगा प्लस हो जाएगा, तो y y' / b² तो था ही, इसके साथ उस x को नीचे भेज देता हूं,
जो यहां था, यानी अब मैं इसको उठाकर सीधा यहां डाल दूंगा। पिछली बार उससे कुछ निकाल के यहां डाला था, अब इससे निकाल के कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सोच रहा हूं कि नए तरीके से कर लूं, इसलिए कुछ नहीं है। एक्स स्क्वायर ये वन अपॉन ए स्क्वायर है ना, इसके मल्टीप्लाई में, तो वन अपॉन ए स्क्वायर यानी वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर। फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा, पिछली बार नेगेटिव आया था, इस बार पॉजिटिव, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। बाकी ये माइनस का वाई स्क्वायर है, उसे एज इट इज रहने देते हैं। बी स्क्वायर है, ये वन है, क्लियर है। सिमिलर वर्क हो रहा है पिछली बार की तरह। बी स्क्वायर यहां भी है, बी स्क्वायर यहां भी है, वन अपॉन बी स्क्वायर कॉमन आएगा और बी स्क्वायर शिफ्ट होकर वहां चले जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां से सिर्फ बचा एक्स स्क्वायर वाई वाई डैश, नीचे एक एक्स बच गया इसका था, माइनस का वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर तो दोनों का शिफ्ट हो गया ना वहां, तो वो वहां चले गया, क्लियर। अब मुझे बताइए क्या होगा, इस एक्स ने इस एक्स को कैंसिल किया, यानी एक्स हटा देता हूं, यहां से ये हटा देता हूं। सिमिलर वर्क हो गया, हमें समझ में आ गया कि हमने पहले डिफरेंशिएशन को यूटिलाइज कर दिया। पहला डिफरेंशिएशन करने का कुछ फायदा तो हाथ लगा कि एक कॉन्स्टेंट उड़ गया, और उड़ाने के लिए हमने बहुत एफर्ट दिया, हमने दोनों तरीके से नहीं गायब हो गया था, हमने मर्ज किया तो गायब हुआ, और वो करना मुश्किल बात नहीं है, ठीक है ना। मुझे बताइए अब क्या करेंगे, एक ही वेरिएबल बचा, सिंपली डिफरेंशिएट कर उसे गायब करवाए थे। तो स्टूडेंट डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, है ना, आराम से करेंगे, जरा देखना, जरा वही सिमिलर वर्क करूं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया, देखते हैं जरा कितना समझ में आया, करें जरा ट्राई खुद ही, आप खुद करना, मैंने पहले ही कह दिया। मैं एक्स वाई इसको एक यूनिट मान लेता हूं, इसको एक यूनिट मान लेता हूं। तो फर्स्ट फंक्शन लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, वाई डैश का डेरिवेटिव डबल डैश, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कर लिया, प्लस सेकंड लिखा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी कि एक्स वाई, तरीके से लिख दिया। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई, फिर वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई आएगा, फिर वाई डैश, बोलिए प्रॉब्लम है तो उसको जरूर बताना, टू वाई डी वाई बाई डी एक्स आएगा ना, वही लिखा मैंने, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, डिफरेंशिएशन जीरो, इजंट इट क्लियर है, नहीं है। अब आराम से काम करो, एक्स वाई को एक्स वाई लिखो, वाई देखिए वो ध्यान रखना वाई का, मैंने पहले कह दिया, पहले से कहता आ रहा हूँ, वाई डैश एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करना, बोलिए फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, प्रॉब्लम है क्या? नहीं है प्रॉब्लम, ये भी डैश है। अभी माइनस कट, ये तो मैंने क्या कर दिया था ना इसका, हाँ इसका डेरिवेटिव हो चुका है, ठीक है, औरों का हो चुका है, उसका नहीं हुआ था इसलिए किया, क्लियर है। कुछ नहीं करना, आराम से अरेंज करो पिछली बार की तरह, और इस बार तुम कोशिश करिए हम एकदम आंसर भी ले आए, पिछली बार तो मुझे देखना पड़ गया था ना, ध्यान नहीं था इसलिए। देखिए वाई डैश इस वाई डैश से मल्टीप्लाई होकर एक्स वाई डैश होल स्क्वायर बनाएगा, वाई डैश इससे मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा, वाई वाई डैश कितना हो गया, वाई डैश स्क्वायर, और यहां बचा हुआ है माइनस का टू वाई वाई डैश इज इक्वल टू जीरो, क्लियर है। अभी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या क्या बचा, एक मिनट चेक भी कर लूँ जरा साथ ही साथ, क्या मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, क्लियर है, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट में एक्स वाई लिखा, इसका डेरिवेटिव टू वाई वाई डैश आ गया, एक्स वाई इसको हमने लिया ना, एक्स वाई था ये डबल डैश आ गया, प्लस वाई डैश, अंदर क्या बचा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव, अरे ये क्या हो गया, इतना बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक, ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए जरा यहाँ पर आपने कैच जरूर किया होगा, ठीक है ना, आपने देखा होगा कि फर्स्ट फंक्शन लिखा डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड को लिखा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होना चाहिए था, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है तो इसके आने की कोई चांस ही नहीं है। तो जब ये वाई डैश एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई डैश स्क्वायर होगा, लेकिन वाई डैश जब वाई से मल्टीप्लाई होगा ओनली वाई वाई डैश होगा। ये मुझे इसलिए भी समझ में आया क्योंकि पूरा कैलकुलेशन पिछली बार की तरह था, तो इसलिए सिमिलर होनी चाहिए थी बात, प्रॉब्लम तो नहीं है, ये वन हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का वन होता है। मुझे बताइए ये दोनों कैलकुलेट होंगे तो क्या आंसर देंगे, यस प्लस के साथ वन और माइनस टू है तो क्या होगा, माइनस का होगा ना आंसर, तो माइनस वाई वाई डैश आंसर होगा। इसको हटाकर मैं कितना लिख रहा हूँ, माइनस का वाई वाई डैश, माइनस का वाई वाई डैश इज इक्वल टू जीरो, आप इसे एक बार चेक कर लेना, ठीक है ना, ये हमारा रिजल्ट है, क्लियर है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखिए ये था हमारा स्टूडेंट क्या क्वेश्चन नंबर 9, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार देख लेते हैं क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट, वाई एक्सिस पर सेंटर रखते हैं और रेडियस 3 यूनिट रखते हैं, तो एक ही बात हो सकती है कि सर्कल कुछ इस तरह का होता होगा,
जो वाई एक्सिस पर सेंटर रख रहा है, यानी कि कोई कोऑर्डिनेट सपोज कर लेता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट 0 कॉमा कुछ बी मान लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, इसलिए ऐसा किया. फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर सेंटर रख दिया, करेक्ट है. ये कौन सी एक्सिस है? वाई. ठीक, कहाँ गया? एंड रेडियस 3 यूनिट. इसका रेडियस स्टूडेंट्स कितने हैं? 3 यूनिट इसका रेडियस है, 3 यूनिट इसका रेडियस है. अब गलती से भी ये मत बोल देना कि बी इज इक्वल टू 3, अक्सर कहते हैं स्टूडेंट, इसलिए कह रहा हूँ ऐसा. तो 3 यूनिट इसका रेडियस है, 3 यूनिट इसका रेडियस है कि नहीं है? हैविंग रेडियस मतलब ना ये चीज, ध्यान से देखो, ये चीज 3 यूनिट है, ये चीज 3 यूनिट है, क्योंकि रेडियस यही तो होता है सेंटर से सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस. जबकि बी का मतलब होगा कि सेंटर से मेजरमेंट, ये क्लियर. मतलब ये हो गया कि ये जो ये पूरा डिस्टेंस बी है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका कितना है? 3 है, करेक्ट है. मैं अगर थोड़ी देर के लिए सपोज कर लूं कि इसके देखिए 0 को, अब मैं सीधी साधी बात करता हूं इस पर, जो जो हो सकता है मुझे बताइए. जनरल सॉल्यूशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है? यही तो होती है, एक्स माइनस एच ऑफ होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर. क्यों कर रहा हूँ मैं ये काम? मैं काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है जनरल सॉल्यूशन से ही डिफरेंशियल इक्वेशन में जाया जा सकता है, अगर जनरल सॉल्यूशन में से आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटा दें. और जनरल सॉल्यूशन होती है इक्वेशन, इक्वेशन होती है रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई, ये वही है. तो ये मेरा और कोई नहीं जनरल सॉल्यूशन है. मुझे कुछ नहीं करना, एच कॉमा के यानी कि सेंटर्स के कोऑर्डिनेट को सेट करना है. एच मुझे समझ में आया 0 है, आराम से 0 रखा. के समझ में आया बी है, बी रखा. मतलब x माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर ही हुआ, और स्टूडेंट y माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब कितना हुआ? y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर हुआ. ये हुआ, ये इक्वेशन बनी. यानी इक्वेशन हमारे हाथ में जो लगी है वो ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर. अभी तुरंत समझ में आया कि आर स्क्वायर तो तुरंत समझ में आया रेडियस को इसका 3 है, मेंशन है ना, क्वेश्चन में गिवन है, तो सीधे क्यों ना इसे 3 स्क्वायर ही लिख देते, या सीधे 9 ही बोलने में क्या प्रॉब्लम है? फिर सीधे स्टूडेंट 9 बोलिए प्रॉब्लम अगर आपको है तो. इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं. मुझे पता है कि ये एक जनरल सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट इक्वेशन. अब मुझे पता है कि इसे डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा आपके इस बी को, क्योंकि बी ही इसका एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है. और इसे एलिमिनेट करने का प्रोसीजर है कि आप डेरिवेटिव्स लेकर इसे एलिमिनेट करें. कोई पूछे कि कितने डेरिवेटिव लेने के लिए हम एलिजिबल हैं, आप कहेंगे एक डेरिवेटिव लेने के लिए हम एलिजिबल हैं, क्योंकि एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारे पास अवेलेबल है. मतलब मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन 1 with respect to x both side, isn't it clear? मैं आराम से x square का 2x differentiation बोलूंगा, इसको मैं solve करूंगा, 2 आएगा, क्या आएगा? 2 आएगा, y minus b आएगा, ऐसे कर फिर मैं अंदर वाली quantity को दोबारा differentiate करूंगा chain rule के according, y का differentiation y dash आएगा, b का differentiation 0 होगा. 9 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, आंसर 0 देगी. समझ में आया कि 2 यहां से कट हो सकते हैं, x प्लस वाई माइनस बी टाइम्स वाई डैश, कट होने का मतलब कॉमन आकर 0 के नीचे चले गए, रिजल्ट आ गया. अभी इक्वेशन 2 बन तो गई, लेकिन फायदा नजर नहीं आ रहा डायरेक्ट, यानी कि हमने इक्वेशन को डेरिवेटिव ले तो लिया, लेकिन फिर भी एलिमिनेशन नहीं हो पाया हमारी बी का, बी बेचारा फंसा का फंसा रह गया. हमें इस बी को हटवाना है. हमारे पास दो इक्वेशंस अवेलेबल हैं, जो कि सबसे हमारे पास प्लस पॉइंट है. मैंने बोला जब भी आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटता नहीं है तो दोनों को ही हेल्प लेनी पड़ती है. यहां से बी को उठाकर वहां डाल दो, या वहां से उठाकर यहां डाल दो. सीधी सी बात यह है कि एक्स इज इक्वल टू, इसे मैं वहां ले जाकर माइनस का वाई माइनस बी टाइम्स वाई डैश कह सकता हूं, नहीं कह सकता, माइनस हो गया ना उधर जाकर. इसमें से स्टूडेंट मैं बी को निकलवाऊंगा और वहां डाल दूंगा, तो बी गायब हो जाएगा. बी गायब होना ही करवाना था मैं, मुझे बताइए. और बी को क्यों गायब करवाएं? इसे अच्छा एक साथ दिख रहा है ना कि वाई माइनस बी पर वैल्यू डालें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा मुझे लगता है. बोलिए नहीं ऐसे ही क्या? क्योंकि बी निकालूंगा वो लेंथी प्रोसेस है, उससे अच्छा क्यों ना हम थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लें जरा, क्लास 12th के स्टूडेंट है ना. तो एक्स अपॉन वाई डैश इज इक्वल टू माइनस है, माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया तो वाई माइनस बी. बोलिए ये करने में क्या प्रॉब्लम है? और ये ज्यादा कुछ लग भी रहा है, कुछ हमें प्रोफिशिएंसी नजर आ रही है कि चलिए आपने कुछ अच्छा सोचा और आप ले गए और यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया इसमें. बोल देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड कुछ नाम दे दो उसे. मैं नहीं दे रहा क्योंकि मुझे पता है उससे कुछ नहीं हो रहा, यहीं से निकला. आप अपने हिसाब से काम करना. समझ में आ गई तो बात, फिर तो आप कुछ भी देते रहे उसे नाम.
मैं वाई माइनस बी यानी कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखूंगा, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, वाई माइनस बी के प्लेस पे मैं आराम से क्या बोलूंगा, माइनस का एक्स अपॉन वाई डैश, यानी कि माइनस का एक्स अपॉन वाई डैश बोलूंगा, किसके प्लेस पर, वाई माइनस बी के प्लेस पर। लेकिन वाई माइनस बी यहां पर रुका नहीं, उसने स्क्वायर करवा दिया, यानी इस क्वांटिटी का स्क्वायर भी कराना है, और इज इक्वल टू 9, इजंट इट क्लियर है, नहीं है, ठीक है। मुझे बताइए माइनस का स्क्वायर होने पर फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिजल्ट आया कि एक्स स्क्वायर, मतलब आप ना आराम से करें अपने हिसाब से, जैसा आपको सूट कर रहा हूं, मैं सीधे लिख रहा हूं। मुझे लगता है एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेना चाहिए, और यहां पर 1 बच रहा है, बचा देना चाहिए, यहां पर 1 अपॉन वाई डैश का स्क्वायर लिख लेते हैं, और इज इक्वल टू 9, क्योंकि ना मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, किसी को है तो नहीं प्रॉब्लम यहां पर, क्योंकि वाई डैश का भी स्क्वायर था इसलिए दिख रहा। थोड़ा अरेंजमेंट के बिहाफ पर मैं इसे कर लेता हूं सॉल्व, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई डैश का स्क्वायर यहां शिफ्ट हो गया, प्लस 1 बचा, और प्रॉब्लम में बताना बिल्कुल, ठीक है, अब आप आ गए होंगे। ये होल अपॉन में वाई डैश आएगा नहीं आएगा, जब वो होल अपॉन में आएगा ना, मैं इज इक्वल टू लगा रहा हूँ, मैं समझ जाए ना प्लीज, ठीक है। वाई डैश स्क्वायर यहाँ गया, प्लस 1 होल अपॉन वाई डैश आएगा, होल अपॉन वाई डैश 9 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा ना 9 वाई डैश, आप समझे नहीं होंगे, मैं इसे एक बार कुछ करता हूँ इसका, ठीक है ना, इसे हटाता हूँ, समझ में जरा, ठीक है, वहीं से देख लो फटाफट, ऊपर से देख लो, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर यहाँ पर कॉमन लिया तो 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो नीचे क्या बचा, वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये बच्चा ऊपर से देखना, ठीक है, आराम से। अब देखो आराम से स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर रहा, ये वाई डैश का स्क्वायर को यहां शिफ्ट करा ऐसे, 1 यहां बचा, होल अपॉन में वाई डैश का स्क्वायर बचा, उसे मैंने यहां भेज दिया 9 वाई डैश स्क्वायर। अब अरेंजमेंट बिहाफ पर अगर कोई कहना चाहता है तो वो ऐसा कह ले कि एक्स स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बन जा एक्स स्क्वायर, और 9 वाई डैश स्क्वायर कह ले, ठीक है। अब वो ना देखिए आप, अरे मुझे नहीं पता, मैं ना ही देखूंगा आंसर शीट, आप देख लेना अपने हिसाब से, अरेंज कर लेना, सारा नोट कर लिया होगा ना आपने, मैंने रब कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये भी पॉसिबल आंसर है, या कोई हो सकता है ऐसा आंसर दे कि वाई डैश स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर बचा लो, और वहां से वाई डैश स्क्वायर कॉमन लिया तो उसे यहां ले आओ, माइनस 9 बोल दो, और प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये भी आंसर हो सकता है, देख लेना, ठीक है ना, और ये देख लेना, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई भी एक इसमें से आंसर ले लेना, ठीक है ना, आपको जो पसंद आ रहा है आप वो रखना, ठीक है ना। बोलिए क्लियर है, 10th क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमने कर लिया, क्वेश्चन इजी है, लेकिन हाँ ध्यान रखना है, क्वेश्चन ना जाना पहचाना क्वेश्चन था, मतलब ये क्वेश्चन के पता नहीं मैंने कहीं देखा ऐसे अच्छा आते समय, ठीक है ना, ठीक है, फेमस सा लग रहा कुछ, ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पर, ईजी था वैसे क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11-12, और 11-12 एक मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है ना। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज वाई इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू द पावर एक्स प्लस सी टू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स एज द जनरल सॉल्यूशन, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी जनरल सॉल्यूशन ये है, या तो ऐसे बोलो, या ये बोलना चाह रहे हैं कि इस तरह की जनरल सॉल्यूशन वाली इक्वेशन जो इक्वेशन होगी या जनरल सॉल्यूशन होगा, इस तरह का जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसके रिगार्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिलती है, ये पूछा जा रहा है हमसे। मतलब स्टूडेंट्स ये आपकी एक जनरल सॉल्यूशन है, इससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। हम जानते हैं कि हमें कॉन्स्टेंट्स जो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट C1 C2 दिखाई दे रहे हैं, इन्हें गायब करना है। गायब करने का एक ही मेथड कि इसे डेरिवेटिव लो, कितने बार लो, जितने आपके आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं, कितने हैं, 2 C1 एंड C2, आराम से डिफरेंशिएट करूंगा इसे, 1 तो जरूर मानूंगा इसे विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड लिख देना, y का y डैश C1 C हो गया, e की पावर x का डिफरेंशिएशन यही होगा, C2 को C2 लिखा, कांस्टेंट है ना, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन, यस e की पावर माइनस x, लेकिन माइनस x का द्वारा डिफरेंशिएशन माइनस 1 देगा, वो से ऐसा नहीं करेगा, बोलिए करेगा, ठीक है। अब हमने देखा कि क्या हमारे कांस्टेंट गायब है, बिल्कुल नहीं हुए। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसी इक्वेशन 1 और 2 में कुछ ऐसे काम करवा देने पड़ेंगे कि कुछ अच्छा फ्रूटफुल हाथ लगे, कि या तो ऐसा करें कि किसी को एलिमिनेट कर दें, लेकिन उससे बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो कर लें, जैसे ये ना कि C1 की वैल्यू निकाल लें कम्प्लीटली C2 की टर्म में और डाल दें वहां, लेकिन वो एक कंपैरेटिवली लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि हमें दिख रहा है एलिमिनेट हो सकता है अगर दोनों को ऐड कर दें, शुरुआत के पहले से पांचवें क्वेश्चन के बीच में जो शुरुआत के पहले से दूसरे तीसरे क्वेश्चन थे वो इसी मेथड से हुए थे कि एलिमिनेट आसानी से हो जा रहा था, फिर क्वेश्चनों का लेवल बढ़ा, एलिमिनेट नहीं हुआ तो फिर हमने उन्हें अरेंजमेंट देना शुरू किया, जैसा अभी तक के क्वेश्चन में कर रहे थे,
कि शिफ्ट कर रहे थे इधर से उधर। अभी कंपेरेटिवली आसान है, वन को टू के साथ ऐड कर दो, यहाँ वाई प्लस वाई डैश आ जाएगा, वहां से सी वन ई की पावर एक्स, सी वन ई की पावर एक्स, टू टाइम्स सी वन ई की पावर एक्स होगा नहीं होगा, और ये दोनों कैंसिल, ठीक है। आराम से यहाँ पर हमने देखा सिर्फ एक वेरिएबल बचा, और हमारे पास एलिजिबिलिटी है कि आप दो बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दी टू आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट का मतलब दो बार डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, लेकिन हम तब तक डिफरेंशिएशन नहीं करते जब तक हम एक को गायब नहीं करवा देते, जैसा कि हमने अब करवा दिया। अब हमारे पास वाई प्लस वाई डैश, और यहाँ पर ये बचा हुआ, ये सब कुछ बचा हुआ, यानी कि मैं ऐसा कह लूँ कैसे, वन अपॉन ई की पावर एक्स कहूँ कि नहीं कहूँ, ऐसा करता हूँ, नहीं कहता, इतना आ गया, ठीक है ना, ये टू सी वन ई की पावर एक्स जो भी आया है मतलब वही दिख रहा है, उसे मुझे एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं थी। अब मुझे समझ में आ गया कि मेरा एक एलिमिनेट हो चुका है, तो स्टूडेंट्स अब हम एलिजिबल हैं कि एक बार दोबारा से कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पड़ जाने की जरूरत है भी नहीं। डिफरेंशिएट जैसे ही हम इसे करेंगे, हम देखेंगे वाई का डिफरेंशिएशन वाई डैश होता है, y डैश का डिफरेंशिएशन y डबल डैश होता है, यहाँ से 2c1 e की पावर x में 2c1 कॉमन आ जाएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा, isn't it? कुछ मान लिया फोर्थ, मैंने देखा कि कोई फर्क तो पड़ा नहीं, वो तो वहीं रहा, लेकिन फर्क ये पड़ेगा कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी एक जैसी है, यानी इन दोनों में कुछ काम चलाएंगे तो पता चलेगा कि दोनों को इक्वल कर दो, क्योंकि ये भी वही ये भी वही। तो स्टूडेंट्स हमने बोला कि दोनों को इक्वल करने का मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि y प्लस वाई डैश इज इक्वल टू y डैश प्लस y डबल डैश हो जाएगा। अभी जैसे ही ऐसा बना तो आपके इसने इसको कैंसिल कर दिया, जब इसने इसे कैंसिल किया तो स्टूडेंट y इज इक्वल टू y डबल डैश बचा, ये रिजल्ट हो सकता है, या हो सकता है इसे किसी ने इस फॉर्म में लिखा हो और की फॉर्म में, ये भी रिजल्ट हो सकता है, ठीक है ना। और हम अगर मैं ऑप्शन को देखूँ तो ऑप्शन इस तरह में लिखे गए, तो इसे इसी तरह में लिख लेता हूँ, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर ये है, ये इसका आंसर है। अब ढूंढते हैं ये कहाँ कहीं दिख रहा है क्या। अब स्टूडेंट्स हमने देखा कि डी टू वाई पॉइंट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, ऑप्शन बी मुझे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। अब आपने देख लिया, बोलिए प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस मैंने कहा बहुत जरूरी है, ठीक है ना, प्रैक्टिस जरूरी है। फिर भी मैंने ना इसे अपने तरीके से, बहुत मुझे खुशी है इस बात की कि मैं इसे एक्सप्लेन कर पाया इस लेसन को, जबकि लेसन ऐसा है कि अपनी प्रैक्टिस आपके साथ ही रह सकती है, आ तो जाएगा आपको करना, लेकिन थोड़ा समझाना कंपैरेटिवली मुश्किल पड़ जाता है। फिर भी मुझे लगता है कि मैंने अपना काम बखूबी निभा दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज वाई इज इक्वल टू एक्स एज अ वन ऑफ इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आपको चार डिफरेंशियल इक्वेशन दिए, बोला है कि किसका आंसर ये होता होगा, तो क्या करें, कुछ नहीं, वाई डैश निकाले वन आएगा, वाई डबल डैश निकाले जीरो आएगा। अब कोई बोले कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो सीधी साधी बिचारी यही बनी है, ठीक है, लेकिन ना ये इतना कुछ बन गया, मतलब हमें कुछ समझ में जो आई बात वो ये कि इतनी सारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिख रही है उन सब में ये वैल्यूज को पुट कर देखते रहो वन बाय वन, यही पॉसिबल हो सकता है इसमें। फटाफट जो पहली वाली है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, डबल डेरिवेटिव लिखा हुआ है, डबल पहली वाली ऐसे लिखिए, देखिए मैं फटाफट ना उनको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप देख लेना। सेकंड है वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, थर्ड है आपके पास वाई डबल डैश माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, फोर्थ है आपके पास डी जो भी बोल रहे हैं आप इसे बोल देना, ठीक है, मैं कभी कुछ बोल रहा हूँ, एक्स वाई डैश प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, डी बी ए ये है, ठीक है, फटाफट ये वैल्यूज डालकर देखो, जिसमें सेटिस्फाई हो गया वही आपका आंसर। वाई डबल डैश जीरो डाला माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश वन है तो ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहा, एक्स इंटू वाई, वाई और एक्स क्योंकि एक ही है तो एक्स इंटू वाई एक्स स्क्वायर हो सकता है, ये दोनों जिसको कैंसिल करके जीरो आंसर देते हैं, लेकिन वहाँ एक्स आ रहा है, मतलब डज नॉट इक्वल टू एक्स, गलत है ये, गलत है ये, नहीं है इसका सोल्यूशन। y डबल डैश जीरो रखा, x y डैश, x को x रखा, y डैश को 1 रखा, 1 हो गया, x y का मतलब x स्क्वायर होता है, और ये कभी भी x के इक्वल नहीं होने वाला क्योंकि x प्लस एक्स स्क्वायर कुछ अजीब सा होगा, x टाइम्स 1 प्लस x नहीं होगा, ये भी नहीं है। इसकी बारी आई y डबल डैश जीरो होगा, माइनस x स्क्वायर की वैल्यू कहीं है क्या, नहीं है तो कहीं कोई बात नहीं, y डैश की वैल्यू 1 है, 1 ही रखी, x इंटू y क्योंकि एक जैसे है ना एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर होगा, यस एग्जैक्टली ये आपका है, इसने सेटिस्फाई करा। तो चौथे को वैसे देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके यहाँ पर मोर देन वन तो होते नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, वाई डैश डबल डैश जीरो हो गया, एक्स को एक्स रखा, वाई डैश की वैल्यू वन है रख दी,
प्लस एक्स वाई था, एक्स वाई इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ये और ये तो लगभग एक ही जैसे दिखाई दे रहा है, डिफरेंस क्या है दोनों में? अच्छा हाँ एक ही बात है, वो एक्स के इक्वल नहीं हो सकता, ये कभी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। आपका काम सुनने क्या है, आपका काम ये है कि ये चारों ऑप्शन ना देखने पड़ते और एक डिफरेंशियल इक्वेशन डिजाइन करनी पड़ती। कैसे करते, यानी कि आंसर, क्योंकि सी ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है ना? तो आपको अब किसी ने कहा कि ये कैसे आया होगा, जरा इस पर सोच विचार करें, जरा कोशिश करें, ठीक है ना, कि इसको कैसे निकालें। लेकिन इसको करने का तरीका यही था जो मैंने किया, तभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फटाफट करके देख लिया कीजिए निकाल कर, ठीक है ना? तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट टेल दी एक्सरसाइज 9.3, ठीक है ना स्टूडेंट? हमने एक्सरसाइज 9.3 के सभी क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने कवर कर लिए, ठीक है ना स्टूडेंट? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक्सरसाइज बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये जो हमने पढ़ी और जो हम पढ़ेंगे, लेकिन जरूरत यहाँ पर सिर्फ एक ही रह जाती है, प्रैक्टिस की बस, ठीक है? प्रैक्टिस करते रहे ना, जितनी ज्यादा पॉसिबल हो सके करें, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं आप खुद देखेंगे मैच्योर आप ही हो रहे हो और कोई नहीं, ठीक है ना? तो स्टूडेंट इन सभी को जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया 9.3 तक रिवाइज करें, तभी 9.4 में एंट्री लें। और इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स को पता नहीं है और चाहते हैं कि फ्यूचर अपकमिंग वीडियोज उनको पर पहुंचते रहे, ठीक है ना? तो एक तो उसमें कमेंट बॉक्स होता है, उससे मैं अपनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछ लें अगर आपको कुछ होती है तो, और दूसरी बात इसमें जो सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का उसे प्रेस करें, और साथ ही साथ विद इन सेकंड एक बेल आइकन आता है उसे हिट करें, जिससे आपको फ्यूचर अपकमिंग वीडियोस मिलते रहते हैं, ठीक है ना? वो वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, उनके नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद जो बेल आइकन आता है उसे प्रेस करेंगे तभी, ठीक है ना? तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।